18वीं लोकसभा के कैनवस पर एक से बढ़कर एक सियासी मुद्दों का रंग चढ़ता जा रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान सियासत, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्पीकर चुनाव के दौरान सियासत, आपातकाल को लेकर सियासत। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। और अब सेंगोल पर सियासत। सेंगोल राजा का डंडा, भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज चौथा दिन है और इन चार दिनों की कार्यवाही में जो ट्रेलर दिखा उससे अगले 5 साल की पूरी पिक्चर की कल्पना करना कोई मुश्किल नहीं। कार्यक्रम के मुताबिक आज राष्ट्रपति का अभिभाषण तय था, मगर उससे एक दिन पहले अखिलेश यादव के एक सांसद का सेंगोल पर बयान आया। शाम ढलते ढलते सियासत शुरू हुई और सुबह होते होते सेंगोल पर सभी दलों के तर्कश में पड़े जुबानी तीर को नई धार मिल गई। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहां की देश के सभी लोग जाएं और वहां पे उसका दर्शन भी करें। सिंगोल को गुलामी से आजादी का प्रतीक माना गया। पिछले साल ये गुलामी की मानसिकता से आजादी तक के सफर का भी प्रतीक बना। 63 साल से प्रयागराज के म्यूजियम में रखी सोने की इस छड़ी को देश की संप्रभुता का प्रतीक बनाकर स्पीकर के आसन के पास पीएम ने स्थापित किया। उस वक्त भी इस पर जमकर सियासत हुई। मोदी समर्थकों ने इसे देश की संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक बताया तो मोदी विरोधियों ने इसे राजतंत्र का सिंबल। इतना ही नहीं, ओवैसी ने तो इसे पीएम मोदी का गदा तक बता दिया। गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? मगर अब 1 साल बाद विपक्ष के मुद्दों के चिराग से सिंगोल का जिन फिर बाहर आ गया। पहले से ज्यादा संख्या बल के साथ सदन में एकजुट विपक्ष सत्र के पहले दिन से संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है और अब सिंगोल की जगह संविधान की कॉपी लगाने की नई मांग के साथ सियासी दंगल में ताल ठोक रहा है। राजशाही की परंपराओं का अवलोकन करें और हम उस परंपराओं को बढ़ावा दे तो हमारा इतिहास आने वाले पीढ़ी को हम क्या बताना चाहेंगे। विपक्ष चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक संविधान की दुहाई दे रहा है, जय हिंद जय संविधान। वहीं पीएम मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। बीते 10 साल में कई ऐसे फैसले लिए गए जो आने वाले भविष्य में भारत के संप्रभुता की पहचान बनने वाली है। फिर चाहे वो नया कानून बनाना हो या फिर लोकतंत्र के मंदिर के लिए नए भवन का निर्माण। नई संसद भवन में भारत की परंपरा और सभ्यता के कई निशान स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक सेंगोल है जिसे विपक्ष संसद के बाहर निकालने के लिए बेचैन है और सेंगोल की जगह संविधान को संसद में स्थापित करने की मांग की जा रही है। दरअसल 2024 चुनाव में संविधान के मुद्दे का विपक्ष को जबरदस्त फायदा मिला और यही वजह है कि विपक्ष संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देकर बीजेपी को सदन में भी घेरने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आप सिंगोल की स्थापना को लेकर पीएम मोदी के माइंडसेट को भी समझिए। दरअसल सिंगोल तमिल भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। साथ ही सिंगोल राज्य की शक्ति और अधिकार का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि जिसे सिंगोल सौंपा जाता था उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है और इसी वजह से लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में इसे स्थापित किया गया है। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो दो ऐसे दौर हैं जिस वक्त सिंगोल की काफी अहमियत रही। इन दो दौर के जरिए आपको पक्ष के सिंगोल का समर्थन और विपक्ष के सिंगोल के विरोध के गणित को भी हम समझाते हैं। आइए इसको भी एक नजर देख लीजिए। पहले समझिए कि पक्ष क्यों सिंगोल के समर्थन में। यह 1947 के दौर की बात है। दरअसल आजादी के दौरान तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सिंगोल सौंपा गया था और यही वजह है कि बीजेपी इसे गुलामी से आजादी का प्रतीक बताकर इसके समर्थन में है। और अब समझिए कि विपक्ष क्यों सिंगोल का विरोध कर रहा है।
यह बात है चोल साम्राज्य के दौर की। दरअसल सेंगोल को राजदंड भी कहा जाता है और इतिहास के मुताबिक सेंगोल चोल राज शासन से जुड़ता है, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए राजा नए राजा को सेंगोल सौंपता था और विपक्षी दल इसी कारण से इसको राजतंत्र का प्रतीक बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए वहां से हट जाना चाहिए।